हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं मेथी दाने की सब्जी। तो उसके लिए मैंने 1 कप मेथी दाना लिया है और उसे अच्छे से हम 2 से 3 बार धो लेंगे। और अब इसमें हम जितना मेथी दाना लिया है उसे 3 गुना पानी डालकर उसको 1 घंटे के लिए रख देंगे और उस पानी को हम स्ट्रेन कर देंगे। फिर इसमें फिर से हम पानी 3 गुना पानी डालकर इसको उबालने रखते हैं। पहले हमने तेज आंच पर उबाला है, अब इसमें अच्छा उबाल आ गया है तो आंच कम करके इसको ढककर रख देते हैं और करीब 5 मिनट तक उबालेंगे। पानी निकलने लगे तो आप जरा उसको खोलकर देख लें। तो ये देखिए पूरा पानी खत्म होने आया है। अब इसमें हम 1 ग्लास पानी और डालकर रख देते हैं और थोड़ा और उबाल आने पर गैस बंद कर रख देंगे तो मेथी दाने पूरे फूल कर अच्छे बन हो जाएंगे। अब ये मैंने 10 मिनट बाद खोला है तो देखिए कितने फूल कर रेडी हो गए हैं। मेथी दाने पक गए हैं, दाना अच्छा दब रहा है तो तैयार है। अब उसका पानी हम स्ट्रेन कर लेते हैं और ये पानी बहुत पौष्टिक रहता है। आप इसमें नमक डाल के ऐसे भी लेंगे तो बहुत अच्छा है, या फिर घी रख कर कढ़ाई में जीरा और हींग डालकर बघार लगाएं तो भी अच्छा लगता है। तो पहली रेसिपी हम बना रहे हैं मीठे खट्टे मीठे मेथी दाने। तो उसके लिए 1 चम्मच हमने तेल रखा है, 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग और 1 कप मेथी दाना जो हमने उबाला था उसमें से हम निकाल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। अच्छे से स्टीयर करते हैं, फिर उसको हम बाकी मसाले डालते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और ये मैंने इमली डाली है। आप चाहें तो जो भी खटाई पसंद करें, और 1.5 चम्मच इसमें चीनी डाली है। आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं और खटाई में आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी अच्छे से घुल गई है तो ये हमारी रेडी है सब्जी। इसको ट्रांसफर कर सकते हैं या सर्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है हमारा बेसन मेथी दाने का। इसमें हम तेल ज़्यादा रखेंगे, 2 चम्मच हमने तेल रखा है। गर्म होने पर हींग, 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 2 कप मेथी दाने जो हमने उबाले थे वो इसमें अच्छे से डाल देंगे और अच्छे से स्टीयर करके बाकी सारे मसाले भी इसमें डालेंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक और सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें आप बेसन डालेंगे, या तो आप बेसन भुना हुआ डालें या ऐसे भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाला है। और करीब ये 5 छोटे चम्मच बेसन है या 1/4 कप बेसन है। बेसन ज़्यादा ना डालें वरना फिर वो तेल पी जाएगा और खुली खुली सब्जी नहीं बनेगी। ये देखिए अच्छा तेल भी छूट गया है और ये रेडी है सब्जी। अब बनाएंगे हम पापड़ मेथी दाना। उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच घी रखा है। घी में बघारते तो अच्छी लगती है। हींग, राई, जीरा, धनिया मिर्ची सभी डालकर हम फटाफट पानी डाल देंगे वरना मसाला जल जाता है। और 1 कप मेथी दाना भी डाल दिया है। और 1 कप मेथी दाना लिया है तो आपको 3 कप पानी इसमें डालना रहेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। और ये 2 मूंग के पापड़ लिए हैं जो सफ़ेद पापड़ हम बोलते हैं, और उसके छोटे छोटे पीसेस करके उबाल आने पर हम उसमें डाल देते हैं। अब हम बाकी का पानी भी डाल देंगे। कई लोग सूखा भी पसंद करते हैं तो आप पानी कम डालिए, और अगर आप ज़्यादा रस्से वाली पसंद करते हैं थोड़ा ज़्यादा डालिए। तो ये तैयार है हमारी तीनों सब्जियाँ। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्ञानवी जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।